हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल टेस्टी फूड में। आज मैं आपके साथ चाउमीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने पत्ता गोभी लिया है और इसको मैंने काट लिया है। दो गाजर ली हैं जिनको मैंने लंबे आकार में काट लिया है। दो शिमला मिर्च ली है जिनको मैंने लंबे आकार में कट कर लिया है। मैंने दो प्याज ली है जिनको मैंने कट कर लिया है। थोड़े से स्प्रिंग अनियन लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। थोड़ी सी रेड शिमला मिर्च ली है जिनको मैंने लंबे आकार में कट कर लिया है। थोड़ी सी येलो शिमला मिर्च ली है जिसको भी मैंने लंबे आकार में कट कर लिया है। थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और चार हरी मिर्ची ली है जिनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। मैंने ये दो चाउमीन के पैकेट लिए हैं, अब हम इन्हें उबाल लेंगे। अब गैस पर हमने भगोना चढ़ा दिया है जिसमें हमने पानी अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल मिलाएंगे और अब हम इसमें अपनी चाउमीन डालेंगे। इसको अच्छे से बॉईल करना है। आपको इसको पूरा बॉईल नहीं करना है, थोड़ा सा आपको इसको कच्चा रखना है। ये हमारी अच्छी तरीके से उबल गई है, अब हम इसको वॉश कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब हमारी चाउमीन बॉईल हो गई है, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे। ये आपस में चिपकेगी नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी हो गई है। अब हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें हमने मस्टर्ड तेल डाला था जो कि अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक कटोरी अपनी प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब चार हरी मिर्ची कटी हुई इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। अब हम इसमें गाजर डालेंगे। अब हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से चला चला के आपको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें हम थोड़ी येलो शिमला मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ी रेड शिमला मिर्च आपकी डालेंगे इसमें और इसे अच्छी तरीके से चला के फ्राई करेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हमने ये सोया सॉस लिया है, ये चिंग्स का सोया सॉस है, इसमें हम डालेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे। एक ढक्कन आपका विनेगर ऐड करेंगे। थोड़ा सा रेड चिली सॉस इसमें हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये टमाटो केचप ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को बीचों बीच में हमें रख के अच्छे से इसे भून लेना है तेज आंच पर। अब इसमें हम थोड़ी स्प्रिंग अनियन डालेंगे, थोड़ी ऊपर से डेकोरेट करने के लिए रखेंगे। अब हम इसमें चाउमीन ऐड करेंगे। और इसको हमें इस तरीके से चाउमीन को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए चाउमीन हमारी अच्छी तरीके से मिल गई है।
हमने ये चाउमीन हक्का नूडल्स चिंग्स का मसाला लिया है एक पैकेट, ये हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, एक छोटा टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून जीरे का भुना हुआ पाउडर ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें मसालों को अच्छी तरीके से इस तरीके से धीरे धीरे करके मिलाना है। अब हमारी चाउमीन रेडी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी ऊपर से स्प्रिंग अनियन डालेंगे। अब हम आपको चाउमीन को सर्व करके दिखाते हैं। ये रेडी हो गई है जिसको मैंने सर्व कर लिया है। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें लाइक करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।